Hi guys, happy Navratri to all of you. तो नवरात्रि के ओकेजन पे हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ मीठा बनाकर. तो आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है यूजुअल चावल और दूध की खीर, बट इसमें हम एक ट्विस्ट ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम चीकूस. 4 to 5 चीकू लिए हैं मैंने यहाँ पे जो एकदम पके हुए हैं, कुछ वॉलनट्स और चावल जो 1 घंटा पहले भिगो के रखे थे, और कुछ चीनी एज पर योर टेस्ट. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले लेंगे एक पैन. पैन में डालूंगी मैं 2 बड़े कप दूध. और इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छे से बॉईल करवाना है दूध को. तो जब तक इसमें बॉईल आएगा तब तक हम लोग जो मैंने चावल भिगो के रखे थे उसको एक मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करूंगी, उसका एक कोर्स पेस्ट बनाऊंगी. बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, एकदम दरदरा सा पेस्ट रखना है. लाइक दिस कंसिस्टेंसी. तो जब दूध में बॉयल आ जाए उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चावल का बना हुआ पेस्ट. विद द हेल्प ऑफ स्पून चावल के पेस्ट को पहले अच्छे से मैश कर लीजिए और फिर उसके बाद इसको दूध में ऐड करेंगे. फिर भी अगर आपको कोई चावल का लंप दूध में दिखाई देता है तो उसको विद द हेल्प ऑफ स्पून आप क्रश करिए. और चावल और दूध का एक स्मूथ मिक्सचर होना चाहिए, कोई लंप्स इसमें नहीं होने चाहिए. तो जब तक चावल और दूध पक रहे हैं हम लोग एक पेस्ट बनाते हैं चीकू का, और कुछ वॉलनट्स इसमें ऐड किए हैं मैंने. ये पेस्ट बनाने के लिए इसमें दूध ज़रूर ऐड करें, इससे एक स्मूथ पेस्ट बनेगा. पेस्ट तैयार है. 5 से 7 मिनट पकते हुए हो गए हैं चावल को, क्योंकि मैंने इनको क्रश कर लिया था तो ये चावल पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. और अब ये पेस्ट मैंने इस मिक्सचर में ऐड कर दिया है. एंड दिस इज़ द न्यू ट्विस्ट इन यूजुअल खीर. आप इसको ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा और अमेजिंग सा एक फ्लेवर आता है खीर में. एक डिफरेंट तरह की खीर बनती है. तो एक बहुत ही अच्छा इसका मिक्सचर तैयार है. इसकी कंसिस्टेंसी खीर की अभी थोड़ी थिक है, पर जब मैं चीनी ऐड करूंगी तो थोड़ा सा इसमें इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो पतली हो जाएगी. आप इस खीर को हमेशा पहले रूम टेम्परेचर पे ठंडा करें, और जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तो इसको फ्रिज में रख के 1 घंटा एटलीस्ट, फिर इसको ठंडा सर्व करें. चीनी मैंने यहाँ पर ऐड की है. चीनी ऐड करने के 1-2 मिनट तक इसको चलाना है, और उसके बाद गैस बंद करके इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है. तो ये खीर जो है आपकी बनके तैयार है इस नवरात्रि. इस खीर को आप ज़रूर ट्राई करिए और इसको ठंडा सर्व करिए. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस न्यू रेसिपी. थैंक यू.